मेरा नाम मांगो क्या रुसिल। और मेरा नाम है उकानी आर्थ। और मेरा नाम है सावलिया जय। हम लोग गजेरा विद्या भवन उत्तराखंड के स्टूडेंट है और 9th स्टैंडर्ड में स्टडी करते हैं। हमारी पृथ्वी पर 7 टेक्टोनिक प्लेट है और जब दो प्लेट आपस में टकराए तब कंपन होता है, उसे ही हम भूकंप कहते हैं। और आप लोगों को पता है कि टर्की जैसी जो कंट्रीज है वो 4 टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर आए हैं और वहाँ काफ़ी ज़्यादा भूकंप आते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंपन भी आते हैं। वहाँ लोगों को इन सभी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों के निवारण के लिए हमने इस तरह का मॉडल बनाया है जिसमें सिस्मिक मटेरियल का हमने यूज़ किया है। आप देख सकते हैं ये जो हमने सिस्मिक मटेरियल के उदाहरण तरीके यूज़ किया है और ये जो हमारी परंपरागत रीति बनाई गई बिल्डिंग है और इसमें क्या होता है पिलर्स होते हैं देखिए, और इसमें हम सिस्मिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता है कि जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग्स है, जैसे कि दुबई में काफ़ी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स है और बुर्ज खलीफा जैसी जो मॉडर्न बिल्डिंग्स है उसमें इस तरह का सिस्मिक मटेरियल यूज़ हुआ है। ये काम क्या करता है आगे आने वाले वीडियो के द्वारा जानते हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें सिस्मिक मटेरियल का यूज़ किया है। भूकंप दो तरीके से आते हैं, एक साइड टू साइड और एक अप डाउन। आप देख सकते हैं कि इसमें सिस्मिक मटेरियल बिल्डिंग को गिरने और हिलने नहीं दे रहा है और इसमें भूकंप आगे पीछे आ रहा है। तो देखिए इसमें साइड टू साइड आ रहा है, इसीलिए कुछ भी हो बिल्डिंग को गिरने नहीं दे रहा है। और अब अप डाउन आ रहा है तो भी बिल्डिंग को कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोगों ने देखा अभी इस वीडियो में किस तरह से सिस्मिक मटेरियल का यूज़ हुआ। सिस्मिक मटेरियल जो क्या काम करता है, जो जब जमीन होती है सिर्फ वही हिलती है, बिल्डिंग्स को कुछ भी नहीं होने देता है। इसकी वजह से जापान जैसी कंट्रीज है जहाँ पे कभी भी किसी भी समय भूकंप आता है, आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे कभी भी भूकंप आता है और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, जबकि हमारे यहाँ भूकंप आता है नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह के सिस्मिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है जब जब भूकंप आता है तब उनकी बिल्डिंग सेफ रहती है और वो लोग अपनी बिल्डिंग को 6 से 7 इंच जरा ऊपर रखते हैं और उसमें इस तरह की सिस्मिक मटेरियल को इसे इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भूकंप की जो तीव्रता हो वो घट जाती है बिल्डिंग्स के ऊपर। पर भूकंप तो वैसे के वैसे ही रहेगा पर बिल्डिंग्स को कुछ नहीं होगा और हाई राइज भी नहीं गिरेगी। और आप लोगों को पता है कि 2004 में बहुत ज़्यादा पावरफुल भूकंप आए थे जिसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ भी आ गई थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मरे गए थे। आप लोगों को पता है कि इस तरह की बाढ़ कब आती है, जब भूकंप आता है। तो इस तरह के आगे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा भूकंप आने की चांसेस है, इसलिए आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह का मटेरियल का यूज़ करें। ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें हिरन सर ने मदद की है। थैंक यू।